मालूम छोड़ा स्थिर और प्रतिशील पूंजी में अंतर बताओ ना। पहला अंतर क्या है आपके स्थिर पूंजी में खाते बनते हैं दो, एक है पूंजी खाता और एक चालू खाता। इसमें केवल एक ही खाता बनता है वो है आपके पूंजी खाता। इस शेष में परिवर्तन, पूंजी खाते के शेष में परिवर्तन तभी होता है जब पूंजी में वृद्धि या क्या होती है आपकी कमी। इसमें आपके हर व्यवहार के साथ सैलरी कमीशन हर चीज के साथ क्या होता है चेंज होता रहता है पूंजी का शेष। फिर है आपकी स्थिति का पूर्ण ज्ञान, इसमें आपके सम्मिलित रूप में देखने पर ही मालूम पड़ता है इसे मतलब आपको पूंजी खाते को और चालू खाते को दोनों को एक साथ देखेंगे तो ही हमें मालूम पड़ेगा कि स्थिति कैसे व्यापार की। इसमें केवल एक खाते को देखने से आपको व्यापार की स्थिति मालूम चल जाएगा। फिर है आपके क्रेडिट और डेबिट बैलेंस, इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है। अगर आपकी स्थिर पूंजी है तो पूंजी चेंज होती नहीं तो हमेशा जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस रहेगा, आपके डेबिट होता ही नहीं। इसमें आपके डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी। अगर आपने ज्यादा सैलरी ले ली है या आपने ज्यादा अगर ड्राइंग कर ली, अगर ड्राइंग ज्यादा कर ली है तो जो बैलेंस आपके जो क्रेडिट आ रहा है वो क्या हो जाएगा आपके डेबिट हो जाएगा। मतलब ये व्यवहार के साथ चेंज होती रहती है, ये हर व्यवहार के साथ चेंज होती है। अगर आपने ड्राइंग ज्यादा कर ली, जैसे ड्राइंग ज्यादा करेंगे तो डेबिट बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट से, इसमें तो आपके हमेशा क्रेडिट ही रहेगा। इसमें आपके क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें तीन पार्टनर है, एक है मोहन, एक है मनोज और एक दे रखा है आपके मनीष दे रखा है। इसने कहा है कि साझेदारी संलेख में व्यवस्था है कि अवकाश ग्रहण करने पर उसे दी जाने वाली राशि का भुगतान वार्षिकी द्वारा किया जाएगा, मतलब एन्युटी द्वारा करना है ये खाता बनाकर। 31 मार्च 2008 को मोहन अवकाश ग्रहण करता है, कब करता है 31 मार्च को करता है, इताई दे रही है 31 मार्च 2008 को। इसने कहा है उसके हिस्से की राशि का निर्धारण 50,000 रुपए किया गया, जो भी बैलेंस है कितना देना है उसको आपको 50,000 रुपए देना है और कैसे देना है एन्युटी के रूप में देना है, मतलब आपको किस्त तो जैसे ही है आपके हर साल एक राशि देनी है। संलेख के अनुसार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के देय राशि का भुगतान कैसे करना है, 10,000 रुपए देना है प्लस बैलेंस पर, बैलेंस प्लस नहीं अलग से, और आपको साथ में इंटरेस्ट भी जोड़ना है, वो भी किस पर जोड़ना है आपको बैलेंस पर इंटरेस्ट जोड़ना है। एन्युटी में जब भी देते हैं तो इसके अंदर आपके इंटरेस्ट नहीं जुड़ेगा। इंटरेस्ट कब जुड़ता है, जब हम लोन के रूप में देते हैं तो इंटरेस्ट साथ में देते हैं, लेकिन हमें हर बार किस्त कितनी चुकानी है 10,000 किस्त हमें देनी है। और अगर बीच में कहीं मृत्यु हो गई तो उसके दोनों जो पैसे है वो दोनों पार्टनर 2:1 में ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, कि एन्युटी का नियम है कि अगर मान लो कोई पार्टनर मर जाता है तो जो भी बैलेंस बचता है वो ओल्ड पार्टनर जो बचे हुए हैं वो पार्टनर दोनों बांट लेंगे अगर एन्युटी है तो। अब क्या करेंगे, इसके लिए खाता बनाएंगे हम, वो खाता है आपके एन्युटी सस्पेंस का अकाउंट, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। अब एक चीज खास तौर से ध्यान रखना है कि हम ये जो पैसे दे रहे हैं 10,000 की एन्युटी की कब दे रहे हैं, इसकी डेट दे रखी है आपके हर बार 1 अप्रैल को। इसमें दे रखा है आपको 10,000 रुपए देने थे लेकिन प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल को देना है, और अब ये जा कब रहा है, ये जा रहा है 31 मार्च को, तो हम यहां लिखेंगे बाई। अब ये अकाउंट किसका है, ए का है, कौन जा रहा है, मोहन जा रहा है, तो हम यहां लिखेंगे मोहन्स कैपिटल, यहां लिखते हैं हम मोहन्स एन्युटी, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, और मोहन के अकाउंट कितना है आपके 50,000। अब ये तारीख जो है आपके कितनी तारीख है, 31 तारीख है, 31 मार्च, तो 31 मार्च है, तो इसी साल को हम हमेशा खाते कब बंद होते हैं, 31 मार्च के बंद होते हैं, तो खाते बंद करो। लेकिन हम किस्त नहीं चुकाएंगे, क्यों नहीं चुकाएंगे, इसकी तारीख क्या है, 1 अप्रैल की है, अगले दिन है, इस साल आपको इस साल खाते बंद करने हैं आपको, क्या करेंगे हम 31 मार्च को ये अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, ये दे रखा है आपके 50,000 रुपए। अब अगले दिन आएंगे और 31 मार्च के बाद अगले दिन होता है आपके 1 अप्रैल का, वो तो था आपके 2008 और ये भी 2008 ही है, केवल एक दिन का फर्क है आपके। यहां डेट के अलग से कॉलम बना सकते हो आप, यहां क्या लिखेंगे हम By balance BD, पिछले साल क्लोजिंग, इस साल क्या हो गया आपके बैलेंस BD, ये हो गया है आपके 50,000। अब हम 1 अप्रैल को, सवाल में कह रखा है कि हर एक तारीख को हमें क्या देना है, किस्त चुकानी, तो पहले किस्त चुकाएंगे, यहां लिखेंगे टू केस या टू बैंक, कितने रुपए है आपके 10,000 रुपए।
और हर बार आपको क्या लगाना है, बैलेंस पर इंटरेस्ट लगाना है। अब तो बैलेंस कितना है, 10,000 हमने दे दिया, बैलेंस कितना बचा बच्चे आपके, 40,000 बचा, तो पूरा एक साल तक रहेगा आपके। अब देखो आपके लगाना है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस पे लगाएंगे, 50 में से गए 10,000, पीछे बच गए आपके 40,000, तो 40,000 पर हम लगाएंगे 10%, ये होता है आपके 4,000 रुपये। अकाउंट करो क्लोज, ये होता है आपके 54,000 रुपये। यहां भी कर दो आप 54,000 रुपये, 54 में से 10 गया, पीछे बच गया आपके 44,000 रुपये, यह आएगा आपके टू बैलेंस सीडी, ये चल रहा है आपके 2008। और खाते बंद कब करते हैं, लास्ट डेट को, यहां भी 31 मार्च है और यहां भी क्या लगेगा आपके 31 मार्च 2009 को। अब ये वाला बैलेंस आगे आएगा 1 अप्रैल 2009 को, अगले दिन यहां क्या लेंगे वापस आपके, ये सीडी है तो यहां लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, ये दे रखा है आपके 44,000 रुपये। अब उसी तारीख को 1 अप्रैल को हमें यहां पर क्या करना है, किस्त चुकानी है, तो लिखेंगे टू केस 2000, ये हो गया आपके 10, 2009 ही होगा अभी तो, ये हो गया 2009। अब क्या करेंगे हम 10,000 किस्त चुकाएंगे, और साल के एंड में 31 मार्च 2010 को हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट देंगे, ये हो जाएगा आपके इंटरेस्ट कितना बैलेंस पर, 44 में से 10 गया तो पीछे बच गया आपके कितना 34,000, 34,000 का देंगे हम 10% इंटरेस्ट, ये होता है आपके 3,400। और हर बार आपको किस्त 10,000 ही चुकानी है एनुटी, अगर लोन पे होता तो 10,000 देते और आप ब्याज भी देते। अब बैलेंस मिला उसका, ये हो गया है आपके 47,400, ये भी कर दो 47,400। अब 47,400 में 10 गए तो पीछे बच गए आपके 37,400, ये बच गया बैलेंस साल के एंड में, मतलब 31 मार्च 2010 को, एक तारीख को है 31 मार्च, वापस अगले साल आएगी, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, ये बैलेंस सीडी है, यह हो जाएगा बैलेंस बीडी, यह हो जाएगी आपके 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2010 को, यहाँ क्या करेंगे लिखेंगे बैलेंस बीडी, ये हो गया है आपके 37,400। और उसी एक तारीख को हम क्या करेंगे, उसको किस्त चुकाएंगे, तो 1 अप्रैल 2010 को हमने क्या चुकाई है, किस्त चुकाई है पहली तारीख को, टू केस कितना चुकाया हमने 10,000 रुपये। अब 1 अप्रैल 2000 को हमने किस्त चुका दी, उसके 3 दिन या 4 दिन बाद ही 4 अप्रैल को क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु होते ही जो भी पैसा है ये दोनों आपस में बांट लेंगे, यह होता है आपके 37,400, यह भी कर दो 37,400। अब बैलेंस कितना बचा है आपके 27,400, ये दोनों आपस में बांट लेंगे, टू ए भी बांट लेगा और ए क्या कौन का नाम है, मनोज और मनीष दोनों बांट लेंगे, मनोज भी बांट लेगा और मनीष भी बांट लेगा, दोनों कैसे बांटेंगे, इनके लाभ हानि अनुपात में, 2:1 में 3 का भाग 2, इसमें 3 का भाग जाएगा आपके 9 बार, फिर जाएगा 1 बार, फिर कितने बार जाएगा, पीछे बच गया आपके 1, तो होता है 33, और यहां बचे हैं आपके 18, डबल कर दो 18,267 रुपए, ये दोनों में आपस में 2:1 में बांट लेंगे, क्योंकि 4 अप्रैल को मृत्यु हो गई है, मृत्यु होते ही 4 अप्रैल को दोनों आपस में बांट लेंगे।